CNNS गैस गैस ऑल थ्री साइड, ये जो पॉइंट है इसके फायदे क्या है, पेट में कभी भी गैस बन रही हो या आपके चेस्ट में कहीं जलन हो रही हो, यहाँ भारीपन हो, भूख नहीं लग रही हो, हैवीनेस हो, कोई चीज़ खाने के बाद में आपको दिक्कत हो रही हो, हैवी हो गया हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, CNNS गैस गैस ऑल थ्री साइड दे दो। न्यूरोथेरेपी में ये जो अंगूठे हैं ये गैस को इंडिकेट करते हैं, इनका कोड लैंग्वेज है, तो उसमें क्या करना है, हमने ये सेंटर में एक रेखा खींची हुई है यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर में जिस जहाँ से मैंने रेखा खींची यहाँ अंगूठा रखिए आप, और हल्का सा प्रेशर देते हुए आना है, और लास्ट में इस उंगली को यहाँ अंगूठे के नीचे फंसा लीजिए, और यहाँ से होल्ड करना है स्टैंड बनाकर 20 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20 सेकंड तक आपने होल्ड करना है। तो ये CNNS वन साइड हो गया, CNNS गैस गैस सेकंड साइड हो गया। अब यहाँ से जो बराबर वाली उंगली पर मैंने ये लाइन खींची हुई है यहाँ लेकर आएंगे, और फिर यहाँ से इसको ओवरलैप करेंगे, ये भी 20 सेकंड का ही करेंगे, हल्का सा प्रेशर बनाकर रखना है, वापस इसी उंगली पर वापस ओवरलैप करते हुए यहाँ ये स्टैंड बनाना जरूरी है उंगली का, और 20 सेकंड का होल्ड करेंगे। इसके बाद में तीसरी डायरेक्शन यानी कि इधर वाली डायरेक्शन, जब हम इधर वाली डायरेक्शन, इसको आउटर साइड कहते हैं, इसको इनर साइड कहते हैं, इसका मिडल पॉइंट कहते हैं, जब हम आउटर साइड करेंगे तो हाथ चेंज हो जाएगा, और यही काम हमने दूसरे हाथ से करना है। इस तरीके से अंगूठा रखेंगे, हल्का सा प्रेशर देते हुए और वापस ओवरलैप करते हुए हम यहीं पर आ जाएंगे, और ये 20 सेकंड का होल्ड करेंगे। अब मैंने इस उंगली से स्टैंड बनाया है ताकि उंगली में इनके अंगूठे में दर्द ना हो, तो जब मैं ये पार्ट मतलब ये लेफ्ट का है लेफ्ट में कंप्लीट करूँगा, इसके बाद मैं यही तीनों प्रोसेस में राइट में कंप्लीट करूँगा, बीच में 20 सेकंड का, आउट इनर साइड में 20 सेकंड का, और आउटर साइड में 20 सेकंड का, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा CNNS गैस गैस ऑल थ्री साइड। इसको 20 सेकंड का हम प्रैक्टिकली देते हैं, और एज ए प्रोफेशनल यानी कि एज ए स्टूडेंट हम इसको 6 सेकंड का 3 बार रिपीट करते हैं। प्रैक्टिकली हम इसका 20 सेकंड में दे सकते हैं ताकि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाए, तो इसका इस्तेमाल करेंगे पेट की समस्या के लिए, गैस की समस्या के लिए, भारीपन के लिए, कुछ भी खाने के बाद हैवीनेस हो जाए तो आप इसे दूर कर सकते हैं।